नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑलरेडी 3 लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूँ। और मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में बताया था यहाँ तक, यानी कि स्टमक तक हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है, स्टमक के आगे जो जो पार्ट है उसे हम इस लेक्चर में देखते हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टमक के आगे इस तरीके से ये वाला पार्ट देखें, तो ये जो पार्ट है ये है डियोडिनम। एक्चुअल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ टू एनस तक एक ट्यूब है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 3 पार्ट अलग से अटैच है, और वो है आपका लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया। ये तीनों पार्ट बाहर से अटैच है, मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, तो कभी भी फूड इनके अंदर नहीं जाता, बल्कि इनका जो भी जूस है वो आके फूड में मिलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? डियोडिनम, जीजनम, ईलियम। सबसे पहले हम बात करते हैं डियोडिनम की। देखिए, डियोडिनम कौन सा पार्ट है? सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं डियोडिनम। और इसमें 3 हिस्से जुड़े हुए हैं, या 2 पार्ट मेनली जुड़े हुए हैं, लीवर और आपका पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर इसी से अटैच है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह जहां नदियों का संगम होता है, तो आप जवाब देंगे 3 मुख्य नदियों का संगम होता है अलाहाबाद में। कभी आप अलाहाबाद गए हो तो देखना, ठीक है, मेन 3 नदियां आके मिलती है। ठीक है, वैसे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका अलाहाबाद की तरह है। कौन सा पार्ट? ड्यूडिनम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 चीजों के जूस मिलते हैं, लीवर का जूस, पैनक्रिया का जूस और स्टमक का जूस। तीनों जूस यहाँ पे आके मिल जाते हैं, तो डियोडिनम में इतने मजबूत या इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी चीजों को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन तीनों पार्ट को एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टमक हम पढ़ चुके हैं, लीवर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें लीवर की, लीवर इसे हिंदी में कहा जाता है यकृत। देखिए, लीवर से एक जूस निकलता है और जूस का नाम होता है बाइल जूस। लीवर से निकलने वाला जूस होता है बाइल जूस, और बाइल जूस को हम कहते हैं हिंदी में पित्रस, पित्रस इसे कहा जाता है। और बाइल जूस में 2 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनका नाम होता है बिलीरुबिन। पहला है बिलीरुबिन पिगमेंट, और दूसरे पिगमेंट का नाम है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन पिगमेंट, ठीक है, ये 2 पिगमेंट हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। देखिए, अब एक्चुअल में ये एंजाइम्स नहीं है, ठीक है, तो ये पिगमेंट क्या करते हैं, बिलीरुबिन होता है येलो कलर पिगमेंट, ये येलो कलर पिगमेंट है, और बिलीवर्डिन होता है आपका ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, ये दोनों ही नॉर्मली बनते रहते हैं और बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि बिलीरुबिन पिगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये पिगमेंट आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि बिलीरुबिन पिगमेंट अगर आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? देखिए, अगर येलो पिगमेंट आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आईज आपकी येलो हो जाएंगी, नेल्स येलो हो जाएंगे, यूरिन येलो हो जाएगा, और येलो पूरे आपकी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप में क्या हो जाएगा, पीलिया। तो पीलिया जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइंटिस, वो इसी के कारण होता है, जॉइंटिस, या इसका एक दूसरा नाम भी है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए कहें कि जॉइंटिस कहें, एक ही बात है, हेपेटाइटिस भी एक अलग बीमारी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब बात करें बिलीवर्डिन पिगमेंट की, तो अमूमन ये बढ़ता नहीं है, इसके बढ़ने से आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों बातें थी। एक और बात याद रखें, देखें जॉइंटिस में क्या होता है, यूरिन बहुत ज्यादा येलो हो जाता है या आईज येलो हो जाती है, और जॉइंटिस के केस में कहा जाता है कि कभी भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अगर कोई शराब का सेवन भी करते हैं, तो एटलीस्ट जब तक उन्हें जॉइंटिस है तब तक वो शराब ना पिए। क्यों? क्योंकि जॉइंटिस में क्या होता है, आपका लीवर खराब है, लीवर में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और आपका जो अल्कोहल पीने से भी क्या होता है, लीवर ही खराब होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में आपके मरने की चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए डॉक्टर बिल्कुल हिदायत देते हैं कि अल्कोहल का सेवन आप ना करें, वैसे भी ना करें, और अगर आपको जॉइंटिस है उस वक्त, आप बिल्कुल ही ना करें। ठीक है, खैर ये एक अलग बात थी। अब हम बात करते हैं कि येलो पिगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसमें। देखो, यूरिन जो रहता है, यूरिन वैसे भी येलो ही रहता है। ठीक है, पेल येलो कलर होता है उसका, और येलो कलर क्यों होता है यूरिन का, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, एक पिगमेंट के कारण, और उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट एक पिगमेंट होता है,
किस पिगमेंट के कारण आपके यूरिन का कलर कैसा होता है? येलो। तो ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट यूरिन कलर इज येलो। ठीक है, ऐसे इसे हम देख सकते हैं, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट यूरिन कलर इज येलो। ठीक है, तो ये था आपका लीवर। लीवर पे जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लीवर के नीचे यहाँ पे आप देखें अगर, तो एक छोटा सा पार्ट अटैच है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये लीवर के जूस को स्टोर रखता है। ठीक है, देखिए अब स्टोर कैसे रखता है, प्रॉब्लम ये है कि स्टमक हुआ, पैनक्रिया हुआ, ये सब अपना जूस तभी रिलीज करते हैं जब फूड आता है। ठीक है, जब फूड यहाँ पे पहुंचेगा तो ये अपना जूस रिलीज करेंगे, लेकिन लीवर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपना जूस यानी कि बाइल जूस बनाता ही रहता है। ठीक है, तो इस अवस्था में अगर ये कंटिन्यूअसली इसको बनाता रहेगा तो आपका बाइल जूस डिस्ट्रॉय हो जाएगा या खराब हो जाएगा, वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसके बाइल जूस को स्टोर रखता है अपने पास, और जब जितने रिक्वायरमेंट होते हैं जब फूड यहाँ पे आता है उसी हिसाब से बाइल जूस को रिलीज कर देता है किसमें, ड्यूओडेनम में। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है या स्टोन पाया जाता है, स्टोन बन जाता है, पथरी की समस्या हो जाती है कई लोगों में, तो डॉक्टर क्या करते हैं ऑपरेशन करके इस गॉल ब्लैडर को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके ना रहने से हम मर जाएं। ठीक है, तो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेते और इस गॉल ब्लैडर को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, यानी कि इसके बिना भी आप जिंदा रह पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन आप जी पाएंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। लीवर के बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है आपका वो है पैनक्रिया। तो बात करते हैं पैनक्रिया की। एक बात आप ये याद रखेंगे कि पैनक्रिया जो है एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन भी बनाता है और ये पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है। ठीक है, हार्मोन क्या बनाता है, इंसुलिन वगैरह, ये सब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि पैनक्रिया जो है ये क्या बनाता है, एक जूस बनाता है, और इसके जूस को कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस इंपॉर्टेंट क्यों है, पैनक्रियाटिक जूस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं जो अलग अलग चीजों को पचाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं और उनका रोल क्या रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, पैनक्रियास से निकलने वाला जूस है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, उनके नाम में लिखता हूं, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला एंजाइम जो पाया जाता है वो होता है ट्रिप्सिन, पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है अमाइलेज, और तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। ठीक है, तो तीन एंजाइम कौन से हुए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। अब ये करते क्या है, देखिए सबसे पहली बात ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। प्रोटीन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है कौन, ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है कौन, अमाइलेज। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड को, किसको डाइजेस्ट करता है ये, लिपिड को। और लिपिड क्या होते हैं, फैट होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों अच्छे तरीके से पच जाते हैं यहाँ पे, या इनका पूर्ण पाचन अब शुरू हो चुका है। एक बात आप ये याद रखेंगे कि ये एंजाइम कंप्लीटली डाइजेशन कर रहे हैं अब इन चीजों को, यानी कि आधा अधूरा पाचन अब नहीं हो रहा है, जो भी पच रहा है पूरी तरीके से पच रहा है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि खाने का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है, देखो पाचन वैसे देखा जाए तो माउथ में भी हुआ, स्टमक में भी हुआ, इंटेस्टाइन में भी हुआ, लेकिन मेनली डाइजेशन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो मुख्य रूप से खाने का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये पैनक्रिया बताया मैंने, अब पैनक्रिया के बाद क्या होता है, इस तरीके से खाना आगे जाता है और ये पचता है, इस तरीके से खाना पचते हुए यहां तक पहुंचेगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन का काम चलता रहेगा। ठीक है,
अब आपने ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें सॉलिड लिक्विड दोनों पचता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड ज्यादा पचता है, लिक्विड कम पचता है, ठीक है। मुख्य रूप से जो भी पचना था सब कुछ पच चुका है। अब जो चीजें, अब जो भी चीज है वो आगे बढ़ेगी, और यहां से जो चीज आगे बढ़ती है, जो भी नहीं पचा है, तो ये वेस्ट है। यानी कि जो पचना था पच चुका है, अब जो नहीं पचा है वो क्या, वेस्ट है। तो ये जो वेस्ट है, जो इस तरीके से यहां से आया है, ठीक है, ये वेस्ट यहां पहुंचता है और ये एंटर करता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैंने कहा ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, लेकिन ये मल नहीं है। इस वेस्ट को मल में परिवर्तित कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट में। वैसे तो पूरे एलिमेंट, ये पूरे इंटेस्टाइन में ही आपके बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये सीकम वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें कई ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लगभग 600 प्रकार के स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, जो क्या करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं। और ये क्या करते हैं, ये इस वेस्ट को मल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, ये इस वेस्ट को मल में परिवर्तित कर देते हैं, और ये वेस्ट जाके इस तरीके से फिर फिल हो जाता है कहां पे, आपका एनस में, ये रेक्टम में, और रेक्टम से एनस के थ्रू आप इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं वेस्ट को, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सॉलिड का पाचन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई चीज पचती है तो वो है लिक्विड, यानी कि पानी या लिक्विड कोई भी आपने लिया, तो बड़ी आंत में क्या होता है, उसका पाचन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि छोटी आंत में आपका वाटर या लिक्विड नहीं पचता है, पचता है लेकिन कम पचता है। बड़ी आंत में मेनली क्या पचता है, लिक्विड कंपोनेंट, जैसे आपने जूस वगैरह कुछ भी पिया, तो उसका मेन डाइजेशन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहां से वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ, ब्लड में। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पहुंचेगा कहाँ, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पहुंचेगा किडनी के पास, किडनी उसमें से अच्छी चीजें ले लेगा, जो भी लिक्विड में अच्छा था, इंपॉर्टेंट जो भी चीज था बॉडी के लिए, और उसको बॉडी में सर्कुलेट कर देगा ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। और जो वेस्ट है, किडनी क्या करेगा, उस वेस्ट को कलेक्ट करके आपके यूरिनरी ब्लैडर में फिल कर देगा, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आप उसको यूरिन के फॉर्म में क्या कर देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो उस तरीके से लिक्विड वेस्ट बाहर निकला, और इस तरीके से सॉलिड वेस्ट बाहर निकला आपका, और जो भी एनर्जी थी ये पूरी बॉडी को मिल गई, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, प्रोटीन जो भी है, ये आपकी बॉडी को मिल गई, ठीक है। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने इस तरीके से आपको बताया। अब कुछ बेसिक सी बातें मैं और आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो अपेंडिक्स वाला स्ट्रक्चर है, ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब इसका कोई रोल नहीं है, पहले इसका रोल हुआ करता था, लेकिन अब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा फंक्शन है इसका। क्या फंक्शन है, कि कोई भी टॉक्सिक आपके बॉडी में जो भी आता है, ये डाइजेशन के दौरान कोई भी टॉक्सिक बॉडी फेस करती है, तो टॉक्सिक को स्टोर करते जाता है कौन, ये आपका अपेंडिक्स, ठीक है। और उस टॉक्सिक को स्टोर करते जाता है, तो स्टोर करते करते ये साइज में धीरे धीरे बढ़ जाता है। इस तरीके से साइज में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब ये साइज में बढ़ने लगता है, तो ये पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है इंटेस्टाइन की दीवारों को, और आपको होगा दर्द। फिर उस पेशेंट के क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास वो जाएगा, तो डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन मतलब ये है कि अपेंडिक्स को काट के रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, कि अब दोबारा ये ऐसी प्रॉब्लम ना हो या आपको पेन ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर ये दोबारा बन जाता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली उस अपेंडिक्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन बनते हैं तीन तरीके से, या तो क्वेश्चन बनता है लेंथ पे, या क्वेश्चन बनता है एंजाइम पे, या क्वेश्चन बनता है पीएच वैल्यू पे, ठीक है। इस पूरी कहानी में मैंने आपको ये बताया कि खाना कैसे पच रहा है, सारी बातें। इसके अलावा मैंने आपको एंजाइम्स भी बताए सारे, टोटल कितने एंजाइम बताए मैंने आपको, टोटल मैंने आपको बताया अभी तक 3, 2, 5, 2, 7 एंजाइम, ठीक है, 7 एंजाइम बताए, टोटल एंजाइम कितने हैं, 12, ठीक है। तो 5 एंजाइम और मैं आपको बताता हूँ कौन से होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम और होते हैं, जो अलग अलग चीजों को बचाते हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, और इससे निकलता है इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आंतरिक रस। अब ये इंटेस्टिनल जूस जो होता है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, और उनके नाम हम देखते हैं।
फाइव इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहला एंजाइम जो इसमें पाया जाता है वो होता है एरेप्सिन। एक्चुअल में एरेप्सिन क्या है, एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये प्रोटीन का मेनली डाइजेशन करता है। एरेप्सिन हो गए, इसके बाद दूसरा एंजाइम है माल्टेज, ठीक है। तीसरा एंजाइम जो होता है वो आता है आपका शुक्रेज, इसके बाद है लैक्टेज और इसके बाद है लाइपेज, ठीक है। ये पांच इंपॉर्टेंट एंजाइम मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किन चीजों को पचाते हैं। देखिए ये पांचों एंजाइम अलग अलग चीज का डाइजेशन करते हैं, किसका, देखिए एरेप्सिन पचाता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, यानी कि जो प्रोटीन अब तक नहीं पचा है वो यहाँ पे पच जाएगा, और अगर यहाँ भी नहीं पचा, ये भी नहीं पचा पाया तो अब वो नहीं पचेगा, मतलब वो वेस्ट है, ठीक है। माल्टेज पचाता है किसको, माल्टोज को, माल्टेज पचाता है माल्टोज को, माल्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है आपको पता है। शुक्रेज पचाता है किसको, शुक्रोज को, नाम से क्लियर है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टेज पचाता है लैक्टोज को, लैक्टोज ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और लाइपेज पचाता है किसको, लिपिड को, लिपिड क्या होता है, एक प्रकार का फैट होता है, ठीक है। तो देखिए इन पांचों एंजाइम में से ये दोनों जो हैं, एरेप्सिन पचा रहा है प्रोटीन को, ठीक है, लाइपेज पचा रहा है लिपिड यानी कि फैट को, और बाकी लैक्टोज हुआ, शुक्रोज हुआ या माल्टोज हुआ, तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इन तीनों कार्बोहाइड्रेट पच रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोटीन पच रहा है, यहाँ पे आपका फैट पच रहा है, ठीक है। तो जो भी पचना था सब कुछ पच चुका है। तो टोटल कितने एंजाइम बताया मैंने, 12। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पांच तो ये हो गए, तीन एंजाइम अभी पहले मैंने आपको पैनक्रिया में बताया, दो एंजाइम मैंने आपको स्टमक में बताया और दो एंजाइम मैंने आपको माउथ में बताया। टोटल 12 एंजाइम की कहानी है। इन 12 एंजाइम को अच्छे से याद कर लीजिए, कहां पे कौन सा एंजाइम होता है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या फंक्शन कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम बात करें अगर इसमें, तो वो डिपेंडेंट है किस पे, वो लेंथ पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेंथ पे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेंथ किसकी, इस पूरे सिस्टम की, ठीक है। तो देखिए देखिए सबसे पहली बात, अगर इस पूरे सिस्टम की यानी कि माउथ टू एनस जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको कहा है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ आपसे कोई पूछे तो इसकी लेंथ होती है 9 से 10 मीटर। 9 से 10 मीटर बहुत लंबा होता है, तो काफी लंबी है और पूरी की पूरी पैक्ड है हमारे अंदर, और इसी में खाने का पाचन होता रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ, इसोफेगस की लेंथ कोई अगर आपसे पूछे, इसोफेगस की लेंथ होती है आपकी कितनी बताइए, 25 सेंटीमीटर का होता है ये, 25 सेंटीमीटर का है बस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 6 से 8 मीटर के बीच, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लगभग 6 से 8 मीटर के बीच है ये। और अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग आपकी 1 से 1.5 मीटर, 1 to 1.5 मीटर लगभग, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेंथ है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन एन एवरेज इतना ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा, फिर इसकी लेंथ तो कम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इसको लेंथ वाइज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका विड्थ ज्यादा है, इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बाकी अगर आप लेंथ वाइज बात करें तो इसकी लेंथ छोटी है, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा टाइप जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, लेंथ। अब इसका तीसरा और आखिरी टाइप देखते हैं जिसपे इसपे क्वेश्चन बन सकता है, और वो है आपके पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू समझते हैं, देखिए पीएच वैल्यू यानी कि पीएच का मान, ठीक है। अब पीएच वैल्यू होता क्या है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पीएच आपको पता है एक स्केल है, 0 से 14 तक एक स्केल होता है, 7 पे कोई चीज न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे एसिडिक है, 7 से ऊपर बेसिक है, सभी को पता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएच वैल्यूज में आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग एंजाइम्स और जो पार्ट्स हैं उनकी, ठीक है। तो पीएच वैल्यू एक्चुअल में होती किसके, लिक्विड की होती है, ठीक है।
पीएच कभी भी सॉलिड का नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि पानी का पीएच बताओ तो पानी का कोई आपसे पूछे बोतल का पीएच बताओ तो गलत कह रहा है, उसका मतलब है पानी का पीएच। ठीक है, तो सॉलिड चीजों का कभी भी पीएच नहीं होता। माउथ का पीएच नहीं होगा, किसका पीएच होगा? सलाइवा का। स्टमक का पीएच नहीं होगा, किसका पीएच होगा? गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा आप देखें माउथ का पीएच, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो किसके बात कर रहा है? सलाइवा की। ठीक है, तो बॉडी के अलग अलग पीएच में आपको बताऊंगा। वैसे तो हर चीज का एक पीएच होता है, आपके वाटर का अलग पीएच है, आपके मिल्क का अलग पीएच है, कर्ड का अलग पीएच है, लेकिन ये सब आपको केमिस्ट्री वाले टीचर डिटेल में बता पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा जो बॉडी के अलग अलग पीएच है वो। ठीक है, तो इसे डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सलाइवा की, ठीक है, हम बात करते हैं सलाइवा लार की, तो लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच होता है 6.8, यानी कि कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टमक, स्टमक की अगर हम बात करें तो इसका पीएच होता है 1.5 टू 2.5 के बीच, यानी कि हाईली एसिडिक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लीवर की, हम बात कर रहे हैं किसके? लीवर की, तो लीवर का पीएच होता है 8 लगभग, यानी कि ये बेसिक है। इसके बाद अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर में जो लिक्विड होगा उसकी, तो गॉल ब्लैडर का पीएच, गॉल ब्लैडर का आपका पीएच होता है कितना? 7.5 टू 8.3 के बीच लगभग, इतना पीएच होता है आपके गॉल ब्लैडर का। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास का पीएच होता है लगभग आपका 7.7। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है 6 to 7.5 के बीच। लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच होता है आपका 5.5 to 7 के बीच, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगर आप बात करें स्वेट की, पसीना जो रहता है, स्वेट का पीएच कितना होता है? स्वेट का पीएच लगभग होता है 7.3। आप बात करें अगर वाटर की, वाटर कौन सा जो हमारी बॉडी में, तो लगभग ऑन एन एवरेज उसका पीएच 7 ही पाया जाता है। ठीक है, अगर आप बात करें टीयर्स की, आंसुओं की, तो टीयर्स का इधर मैं लिख देता हूं ऊपर, देखिए, अगर आप बात करें टीयर्स की तो टीयर्स का पीएच रहता है 6.3 to 6.8 के बीच। ठीक है, ये इस तरीके से अलग अलग पीएच है। अगर आप यूरिन की बात करें, यूरिन, तो यूरिन का पीएच होता है 6। ठीक है, तो ये अलग अलग मैंने आपको क्या बताया? बॉडी के पीएच बताया। तो पीएच पहला, दूसरा लेंथ, तीसरा एंजाइम। ठीक है, इन तीनों को आप इकट्ठा करके पढ़ लें और इस पूरे लेक्चर को दोबारा एक बार देख लें, सारे जो मैंने अब तक इस पे अपलोड किया डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएं और आपसे बनेंगे, अगर नहीं बनते आप पूछें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई स्टडी ओरिएंटेड बातें। ठीक है, कुछ चीजें और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके सजेशंस आते हैं मुझे नीचे, कमेंट्स वगैरह आप लोग लिखते हैं, तो प्लीज 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 कमेंट करिए, और कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो आप कमेंट करेंगे तभी मैं और इम्प्रूव कर पाऊंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, स्टूडेंट बताते हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं और सारी बातें, तो बिल्कुल सही, जैसे जैसे मुझसे हो पाएगा मैं और फैसिलिटीज ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।